Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में हम कर रहे हैं एंड और आज इसका फोर्टीन लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं ये मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसे आप लोग देख सकते हैं ये मेरा शेड्यूल है रोज सुबह दस बजे आपकी यहाँ पर यूट्यूब पर क्लास चलती है और अन अकेडमी प्लस के एकाग्रता बैचेस में, में मेरी क्लासेस थर्सडे फ्राइडेज और सैटरडेज को सुबह सवा दस बजे चलती हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस टू ज्वाइन दी एकाग्रता बैच एंड इफ यू यूज माय कोड निश्चे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा जिससे आप मेरे पुराने सभी सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं सो यू कैन चेक दैट आउट इज वेल लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन शुरू करते हैं हम लोग हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में ऑलमोस्ट ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तो लेट्स सी आइए सर आइए ओके okay. तो क्या क्या हुआ था आई थिंक दिस वाज अ लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड यस्टरडे ठीक है

तो अभी आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि हर डिजिट यूनिट्स प्लेस पे टेन्स प्लेस में हंड्रेड्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स करके वो हमारे पास आ गया उसके बाद यूनिट्स प्लेस टेन्स प्लेस हंड्रेड प्लेस या थाउजेंड प्लेस का टोटल कैसे निकलेगा इन तीनों चारों डिजिट्स का सम टोटल हो मल्टीप्लाई कर दो द नंबर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डिजिट इज अकरिंग इन एवरी प्लेस राइट right? और उसके बाद यूनिट्स वाले को वन वाल से मल्टीप्लाई करो टेंस वाले को टेन से मल्टीप्लाई करो हंड्रेड्स वाले को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करो थाउजेंड्स वाले को से मल्टीप्लाई करो एक बार फटाफट -पत से कैलकुलेटर देवता की सहायता से हम लोग इसको कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास चार नंबर है टू फोर सिक्स है तो फोर फैक्टोरियल फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन

yeah 96 is the total of the units place 96 is the total of the tens place 96 is the total of the hundreds place and 96 is the total of the thousands place right so 96 into 1 is equal to m plus 96 into 10 is equal to m plus

एकदम जैसे ही आया ना एकदम से ऐसे जोश के साथ जो गर्मी आई है भाई साहब मजा ही आ गया चलो इफ ऑल ऑफ यू आर रेडी कम खबॉन एवरी वन वेरी नाइस बहुत बढ़िया अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आर इंटू आर पी आर वेन आर इज इक्वल टू वन थीके? तो वन इंटू वन पी वन प्लस टू इंटू टू पी टू प्लस थ्री इंटू थ्री पी थ्री प्लस फोर इन फोर पी फोर प्लस डॉट 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 यह चलता रहेगा टेन इंटू टेन पी टेन तक आई होप इतनी बात तो सबको समझ में आई गई होगी क्योंकि हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ा था सीक्वेंस इंड सीरीज में भी पढ़ा था वी ऑल नो व्हाट सिग्मा साइन स्टैंड्स फॉर दिस स्टैंड्स फॉर समेशन राइट right? तो हमें आर इंटू आर पी आर के सभी वैल्यूज का सम टोटल चाहिए रेंज इज फ्रॉम टू तो से लेकर तक R की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज के लिए हमें R R, R का चाहिए आंसर ठीक है तो मैं क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि इसको टेन तक क्यों ले जा रहे हो ठीक है टेन तक ले जाओगे तो कैलकुलेट करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको ना आप फोर तक ले जाते हैं फोर तक या थ्री तक जहां तक आपकी मर्जी आए मैं फोर तक करके दिखा रहा हूं तो अगर टेन की जगह मान लो फोर होता अगर मान लो टेन की जगह फोर होता तो क्या होता वन इंटू वन पी वन प्लस टू इंटू टू पी टू प्लस थ्री इंटू थ्री पी थ्री प्लस फोर इंटू फोर पी फोर यही होता ये क्या होता वन प्लस टू पी टू फोर प्लस थ्री सिक्स एटीन प्लस ट्वेंटी फोर इंटू फोर कितना फोर पी फोर इज फोर फैक्टोरियल ना तो ट्वेंटी फोर इंटू फोर ये कितना नाइनटी सिक्स अब देखो ये कितना आता प्लस फोर प्लस एटीन प्लस नाइनटी सिक्स यह आता आपका हंड्रेड एंड नाइनटीन यह आता आपका हंड्रेड एंड नाइनटीन ठीक है अब देखो क्वेश्चन में ओरिजिनली यहां पर 10 था तो ऑप्शन ए में इलेवन पी इलेवन था ठीक है मतलब एक बढ़ाकर था तो हम हमने क्वेश्चन में यहां पर फोर ले लिया है तो ऑप्शन ए हमारे लिए क्या हो जाएगा फाइव पी फाइव हो जाएगा आई होप आपको बात समझ में आ रही है क्वेश्चन में अगर ये मैक्सिमम लिमिट टेन थी तो आंसर में इलेवन पी इलेवन था मतलब एक बढ़ाकर था हम लोगों ने क्वेश्चन में मान लिया तो 4 के ऑप्शन तो तो ए तो हमारा आंसर तो नहीं हो सकता ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन बी में देखो अगेन यहां पर जब लिमिट टेन थी तो ऑप्शन में इलेवन पी इलेवन था हमने लिमिट फोर मानी है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा फाइव पी फाइव माइनस वन तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल माइनस वन यानी वन ट्वेंटी माइनस वन तो ये क्या ऑप्शन तो सर तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है राइट right? उसके बाद जो मैंने आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था तो आइए इसको समझते द रिजल्ट्स ऑफ एट मैचेस

मेरे और ज्योति के बीच में कोई मैच चल रहा है और रोशनी ने प्रिडिक्शन करना शुरू किया ठीक है ज्योति और मेरे बीच में कोई एक मैच चल रहा है हम लोग कोई भी स्पोर्ट खेल रहे एम नॉट वेरी गुड एट स्पोर्ट्स लेकिन हो सकता है ज्योति स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हो कई सारी लड़कियां स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं ठीक है थीके? तो हो सकता है ज्योति इज अ वेरी गुड एथलीट ज्योति जो है वो रनिंग भी करती है स्कीपिंग भी करती है एंड ज्योति जो है रेस में भी पार्टिसिपेट करती है डांस में भी पार्टिसिपेट करती है ज्योति इज लाइक like, ज्योति मैन कब ऑन क्या क्या लड़की है ज्योति ठीक है तो सपोज ज्योति और मेरे बीच में कोई एक मैच चल रहा है ठीक है और रोशनी ने कहा कि मैं तो निशु भैया पे बेट लगाऊंगी मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं मैंने कहा देख दे, तू हार जाएगी मैं स्पोर्ट्स में बहुत ही खराब हूं ठीक है एकदम मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही बोलने में मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा खराब हूं तो रोशनी ने कहा नहीं नहीं भैया नहीं नहीं भैया मैं मैं तो आप पे ही बैट लगाऊंगी मैंने कहा ठीक है ठीक है अब रोशनी जो है बैट लगा रही है निशु भैया जीतेंगे निशु भैया जीतेंगे निशु भैया जीतेंगे ठीक है फिर रोशनी ये भी हो सकता है बेट लगाए निशु भैया हारेंगे पता लगा इसने ऐसे भी कर दिया ना मैं तो भैया आप पे ही बेट लगाऊंगी ठीक है क्या बेट लगाएगी क्या आप हारोगे तो यही वाली चीज हो जाएगी ना ठीक है मैंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत खराब हूं रोशनी ने कहा फिर भी भैया मैं आप पे ही बेट लगाऊंगी ठीक है तो अब क्या बेट लगाऊंगी कि निशु भैया हारेंगे ठीक है या तीसरी बेट क्या हो सकती है कि दोनों का मैच ड्रॉ होगा ठीक है तो ये आपके प्रिडिक्शन <coughs> हो सकते हैं या तो आप कहोगे निशु भैया जीतेंगे या तो आप कहोगे निशु भैया हारेंगे या तो आप कहोगे निशु भैया और ज्योति के बीच का जो मैच है वो ड्रॉ होगा ये तीन केसेस हो सकते हैं तो या तो विन या तो लॉस या तो ड्रॉ ठीक है अब मेरे को एक बात बताओ रोशनी का जो प्रिडिक्शन है वो करेक्ट हो जाए ऐसे कितने वेज पॉसिबल हैं इन हाउ मेनी वेज कैन द प्रिडिक्शन ऑफ रोशनी बी राइट इन हाउ मेनी वेज कैन द प्रिडिक्शन ऑफ रोशनी बी करेक्ट मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो मैंने कहा रोशनी तीन तरह से प्रिडिक्शन कर सकती है या तो निशु भैया जीतेंगे या तो निशु भैया हारेंगे या तो मैच ड्रॉ होगा ठीक है अब मेरा सवाल आप सब लोगों से है इन हाउ मेनी वेज कैन द प्रिडिक्शन ऑफ रोशनी गेट राइट इन हाउ मेनी वेज कैन द प्रिडिक्शन ऑफ रोशनी गेट राइट फटाफट से बताओ रोशनी का प्रिडिक्शन करेक्ट कितने तरीकों से हो सकता है राइट हनीशा प्रधान कह रही है क्या ये लेक्चर एंड अकेडमी की आप में हो रहा है नहीं जी हनीशा ये बिल्कुल यूट्यूब पे हो रहा है आपके सामने हो रहा है ठीक है ऑल राइट संजना कुमारी कह रही है वन वैष्णवी कह रही है वन बाकी कोई सिक्स कह रहा है कोई थ्री कह रहा है सचिन चौधरी वन निकी तिवारी वन दीक्षा सिक्स रोहन थ्री फैक्टोरियल मुझे समझ में नहीं आ रही है सिक्स और रोहन ये सिक्स और थ्री फैक्टोरियल आ कहां से रहा है ठीक है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सिक्स और फैक्टोरियल आ कहां से रहा है मतलब ये वही वाली पुराना कुछ रिवाइज किया नहीं और यहां पर आके कुछ भी बोल रहे हो आप लोग सिक्स में कैसे मैंने कहा तीन तरीके ठीक है तीन वेज में प्रिडिक्शन हो सकता है या तो रोशनी करेगी कि मैच जीता जाएगा या तो रोशनी प्रिडिक्ष करेगी भैया मैच हारेंगे या तो रोशनी प्रिडिक्ट करेगी मैच ड्रॉ होगा ठीक है तो तीन तरीके हैं तीन प्रिडिक्शन हैं इनमें से करेक्ट प्रिडिक्शन कितने तरीकों से हो सकता है तो एक ही तरीके से तो हो सकता है ठीक है कैसे एक तरीके से हो सकता है समझना बात को रोशनी ठीक है, कि मैच Suppose, कहती है मैच अब अगर निशु भैया मैच, मैच जीत गए तो रोशनी का प्रिडिक्शन करेक्ट हो गया अगर निशु भैया मैच, तो मैच हार गए तो रोशनी का प्रिडिक्ट क्या करेक्ट हुआ नहीं अगर मैच ड्रॉ हो गया तो क्या रोशनी का प्रिडिक्शन करेक्ट हुआ नहीं ठीक है रोशनी का प्रोडिक्शन वॉज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट भैया मैच जीतेंगे अब रोशनी का प्रोडिक्शन जो करेक्ट है वो तो एक ही तरीके से हो सकता है ना दैट इज ओनली इफ आई विन द मैच विल द ऑफ रोशनी गेट करेक्ट राइट अगर मैं मैच जीतता हूं तभी तो रोशनी का प्रडिक्शन करेक्ट होगा अगर मैं मैच हार जाता हूं या ज्योति और मेरे बीच का मैच ड्रॉ हो जाता है तब तो रोशनी का प्रोडिक्शन गलत हो गया ना तो दिज ओनली वन वे दैट द प्रिडिक्शन कैन गेट

लॉजिकली सोचो भाई मेरे लॉजिकली सोचो ठीक है एकदम सिंपल सी चीज है कोई सी नहीं लगाना कोई पी नहीं लगाना कुछ नहीं लगाना जबरदस्ती का 3C1, 3 होता है ठीक है अब तू रट रहा है तगड़ा वाला रट रहा 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 है तू पवन में बता हूं तेरे तेरे को तेरे को बुरा लग होगा इस समय लेकिन सुन ले डांट खा ले अभी फालतू का थ्री सी वन कहां से आ गया भाई ठीक है तो जबरदस्ती इधर उधर की चीजें मत करो जो लॉजिकली बात कर चल रही है ना उस पर ध्यान दो आप ठीक है तो चलो ये वाला सबको समझ में आ रहा है वेरी नाइस बहुत बढ़िया ठीक है तो अब देखो एक बात तो तय हो गई कि अगर तीन तरीके से प्रिडिक्शन किया जा सकता है तो आपका प्रिडिक्शन करेक्ट एक ही तरीके से होगा ठीक है सपोज रोशनी ने प्रिडिक्त किया कि निशु भैया मैच हारेंगे अब अगर निशु भैया मैच जीत गए प्रिडिक्शन गलत मैच ड्रॉ हो गया प्रिडिक्शन गलत मैच हार गए प्रिडिक्शन सही तो यहां पर भी प्रिडिक्शन सही एक ही तरीके से हो सकता है अगर रोशनी ने प्रिडिक्त किया कि निशु भैया और ज्योति के बीच का मैच ड्रॉ होगा तो अगर निशु भैया जीत गए प्रिडिक्शन गलत अगर निशु भैया मैच हार गए रोशनी का गलत और अगर ज्योति और मेरे बीच का मैच ड्रॉ हुआ तभी तो रोशनी का प्रिडिक्शन सही हो सकता है ठीक है तो का चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें क्या देखना है कि प्रिडिक्शन सही कितने तरीकों से हो सकता है गलत कितने तरीकों से हो सकता है हमें मैच के रिजल्ट पर नहीं जाना है हमें प्रिडिक्शन के रिजल्ट पर जाना है ठीक है कैसे पता चल रहा है जो है उनमें सिक्स करेक्ट रिजल्ट्स हो हमें कैसे पता चला कि हमें मैच के रिजल्ट्स पे नहीं फोरकास्ट के रिजल्ट पे जाना है के रिजल्ट पर जाना है क्योंकि यहां लिखा हुआ है द रिजल्ट्स ऑफ मैचेस मैचेस है तीन तीन हो सकते हैं हर मैच के तीन रिजल्ट्स हो सकते हैं या तो निशु भैया जीत सकते हैं या तो निशु भैया हार सकते हैं या तो मैच ड्रॉ तो हो सकता है ठीक है आर टू बी प्रिडिक्टेड इन रिजल्ट्स को हमें प्रिडिक्ट करना है इन रिजल्ट्स को हमें प्रिडिक्ट करना है द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग correct सिक्स करेक्ट रिजल्ट प्रिडिक्शन ठीक है तो रोशनी की जो फोरकास्ट है रोशनी जो यहां पर बैठ के सट्टा खेल रही है मेरे और ज्योति के मैच के बीच में रोशनी कितने तरीकों से सही हो सकती है रोशनी कितने तरीकों से जीत सकती है और वो भी कितने तरीके नहीं एग्जैक्टली सिक्स वे में रोशनी अगर सिक्स करेक्ट रिजल्ट्स रोशनी कितने तरीकों से दे सकती है बात वो है ठीक है कि रोशनी एग्जैक्टली सिक्स करेक्ट रिजल्ट कैसे दे सकती है कितने तरीकों से रोशनी एग्जैक्टली सिक्स करेक्ट रिजल्ट दे सकती है तो अब मेरी बात सुनो आपके पास आठ मैचेस हैं आपके पास आठ मैचेस हैं इनमें से हमें कोई छह मैचेस सेलेक्ट कर रहे हैं जिनमें रोशनी का प्रिडिक्शन सही हो ठीक है हाँ, आठ में से हमें छह मैचेस सेलेक्ट करने हैं जिनमें रोशनी का प्रोडिक्शन सही हो तो वी कैन सेलेक्ट सिक्स मैचेस इन एट सी सिक्स वेज ठीक है हमें आठ में से छह मैचेस सेलेक्ट करने हैं जिसमें रोशनी का प्रोडिक्शन सही हो तो इन हाउ मेनी वेज कैन सेलेक्ट सिक्स मैचेस आउट ऑफ एट मैचेस इन एट सी सिक्स वेज ठीक है और हर मैच में ध्यान देना हर मैच में करेक्ट प्रिडिक्शन कितने तरीके से हो सकता है एक तरीके से तो इन छह मैचेस में करेक्ट प्रिडिक्शन कितने तरीकों से होगा दिस इनटू वन एकदम पहली क्लास की तरह से मैं समझा रहा हूं आप लोगों को एकदम पहली क्लास ठीक है जहां मैंने ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का concept आप लोगों को समझाया था ना आई थिंक इट अ थर्ड क्लास क्योंकि पहली क्लास में हमने फैक्टोरियल किया था दूसरी क्लास में हम लोगों ने वो रूल्स ऑफ काउंटिंग वो सब किया था तीसरी क्लास में मैंने आप लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पूरा बेस बनाया था आज भी मैं उसी जोश के साथ उसी स्लो उसी स्पीड के साथ वैसे ही कॉन्सेप्ट के साथ धीरे 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 आप लोगों को यहां तक लेकर चल रहा हूं ठीक है तो मैं अगर उस स्पीड से चल सकता हूं मैं अगर उसी कामनेस उसी पेशेंस के साथ चल सकता हूं तो आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट यू यू कि आप लोग भी रिवाइज रिवाइज करते हुए आ रहे एंड आई एम इवन मेकिंग पिछला वाला क्वेश्चन जैसे एक फ्लो में आ जाओ ऐसा नहीं कि बस सुबह उठे और क्या हो रहा है ठीक है तो आई एम ऑल्सो मेकिंग यू रिवाइज तो मैं अगर आप लोगों के साथ इतने सिस्टमैटिक ढंग से चल सकता हूं ना तो अगर आप, आपको करना पड़ेगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है एनीवे वे तो आठ में से छह मैचेस को सेलेक्ट किया कितने तरीकों से आप आठ में से छह मैचेस को सेलेक्ट कर सकते हो इन एट सी सिक्स में करेक्ट प्रिडिक्शन कितने तरीकों से हो सकता है एक तरीके से तो आपके eight, हो गया यह सुनो सिक्स करेक्ट प्रिडिक्शन आपके एट सी एट सी सिक्स इंटू वन हो गया जल्दी बताओ जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए Uh, मतलब सिक्स करेक्ट प्रिडिक्शन आपके सिक्स इंटू वन में हो गया जल्दी बताओ यस yes? रोशनी विकास सोनू पवन प्रीति निक्की आकांक्षा श्रुति रोहन भूमिका भूमिकाज अभिमन्यु सागर नितेश कुमार मुकेश वेरी नाइस ठीक है अब देखो क्या क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा था कि रोशनी के सिक्स करेक्ट प्रिडिक्शन होने चाहिए हाँ सर यही तो पूछा था कि रोशनी के सिक्स करेक्ट प्रिडिक्शन होने चाहिए लेकिन इस क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट है और वो जरा सा ट्विस्ट ये है कि इस क्वेश्चन ने कहा था कि रोशनी के एग्जैक्टली सिक्स करेक्ट प्रशन होने चाहिए एग्जैक्टली सिक्स करेक्ट से कहानी कैसे बदल गई कि जो दो बचे हुए मैचेस हैं, द सेवेंथ मैच एंड मैच इन दोनों मैचेस में रोशनी का प्रिडिक्शन गलत मांगता ही मांगता है इन दोनों मैचेस में रोशनी का प्रडिक्शन गलत होना ही चाहिए ठीक है तो अब मुझे बताओ जो आपका सेवेंथ मैच है सेवेंथ मैच में रोशनी का प्रिडिक्शन गलत चाहिए इन हाउ मेनी वेज कैन द प्रिडिक्शन ऑफ रोशनी गो रॉन्ग जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि रोशनी का प्रिडिक्शन गलत कितने तरीकों से हो सकता है अभी हम लोगों ने बात की इसके बारे में रोशनी का प्रिडिक्शन गलत कितने तरीकों से हो सकता है अभी मुश्किल से दो मिनट पहले हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में वेरी गुड नितेश रोहन दिलीप पवन कोमल नमन मेमोसा राज सुहेना साहिल एजाज बिल्कुल सही ठीक है रोशनी का प्रिडिक्शन गलत तो दो ही तरीकों से हो सकता है ना रोशनी ने अगर किया मैच मैच जीता जाएगा अगर मैच में जीत गया करेक्ट लॉस हुआ या ड्रॉ हुआ प्रिडिक्शन रॉन्ग ठीक है तो दो तरीकों से तो सातवें मैच को दो तरीकों से किया जा सकता है सातवें मैच को सेलेक्ट करना तो एक ही तरीके से है ना ठीक है आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि सातवें मैच को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो एक ही तरीके से तो होगा ना ठीक है तो एनीवे तो सातवें मैच के रिजल्ट्स आप दो तरीके से गलत प्रिडिक्ट कर सकते हो साथ ही साथ आठवें मैच का भी रिजल्ट आपको गलत कर रहा है? तो आठवें मैच का भी प्रिडिक्शन आप दो तरीके से गलत कर सकते हो ठीक है सातवें मैच का प्रिडिक्शन गलत आठवें मैच का भी प्रिडिक्शन गलत इन छह मैचेस का प्रोडिक्शन सही तो आठ में से छह मैचेस सेलेक्ट किए ठीक है आठ में से छह मैचेस हमने सेलेक्ट किए मैचेस का सही प्रेडिक्शन एक तरीके से हो सकता है तो एट सी सिक्स इंटू वन किया सातवें मैच का प्रेडिक्शन हमें गलत करना था दो तरीकों से गलत हो सकता है इंटू टू किया

ठीक है अब ये छह मैचेस सेलेक्ट हो गए अब हर मैच का रिजल्ट करेक्ट आप कितने तरीकों से कर सकते हो ठीक तो है, 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 है. सातवें मैच का रिजल्ट गलत कितने तरीकों से हो सकता है दो तरीकों से और आठवें मैच का रिजल्ट गलत कितने तरीकों से प्रिडिक्ट हो सकता है दो तरीकों से तो दिस इज योर आंसर अब ये आपके पास एग्जैक्टली सिक्स करेक्ट रिजल्ट आ गए हैं ठीक है आइए इसको सॉल्व किया जाए एट इंटू सेवन बाई वन बाई टू इंटू टू इंटू टू एंड द आंसर इज़ हंड्रेड एंड ट्वेल्व ऑप्शन सी इज योर आंसर आई एम श्योर कुछ समझ में आ गया बोलो निश्चय निश्चय निश्षेन बोलो निश्चय निश्चय निश्चि निश्चय निश्चय निश्चि बोलो निश्चय निश्चय ठीक है सर तो दिस इज द थिंग इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एक मिनट रुकना बस ठीक है इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए गा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट एवरी वन कुछ समझ में आ गया हांजी सुमन जी वेरी नाइस nice. चलो तो एक काम करो आप लोग फटाफट फड़ से वीडियो लाइक कर दो ठीक है वीडियो लाइक करने के बहुत सारे अलग रीजन होते हैं जो मैंने आप लोगों को दो तीन दिन पहले बताए भी थे कि बच्चों तक रीच पहुंचती है तो जिन बच्चों के पास फैसिलिटीज नहीं है आप अगर वीडियो को लाइक कर रहे हो तो आप उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हो ठीक है हम तो एनी anyway वे आप लोगों को यहां पर आकर पढ़ाई रहे तो आप अगर वीडियो को लाइक कर रहे हो वीडियो में आप लोग एक्टिविटी बढ़ा रहे हो तो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग दो स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज रिमोट एरियाज ठीक है तो आप वीडियो लाइक कर दो ठीक है एनीवे anyway, वे चलो अब हमारे पास अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं नाउ वी हैव एट द लास्ट सेक्शन ऑफ अराइवेशन एंड कॉम्बिनेशन और ये वाला सेक्शन झूठ नहीं बोलूंगा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग आप लोगों को लग सकता है किसी किसी पॉइंट पर ठीक है ये वाला जो सेगमेंट है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये वाला जो सेगमेंट है वो आप लोगों को थोड़ा सा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है एट सम लेवल्स किसी किसी लेवल पर आप लोगों को फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है क्योंकि इस वाले लेवल में इस वाले सेगमेंट में हम थोड़े डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे टुडे इज द फोर्टी लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और हम लोगों ने शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ चीजों को समझा है ठीक है हम लोगों ने शुरुआत से लेकर अभी तक चीजों को सिर्फ और सिर्फ समझा है उन्हें समझ के हम लोगों ने सॉल्व किया है ठीक है लेकिन यहां पर मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि 10 स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं इनमें हम लोग बहुत ज्यादा लॉजिक में दिमाग नहीं लगाएंगे इनके फॉर्मुले हम लोग फॉर्मुले मानकर बस याद कर लेंगे ठीक है इनके जो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं इनके फॉर्मुले हम लोग बस फॉर्मुले मानकर याद कर लेंगे क्यों सर क्या आपको आता नहीं है नहीं मुझे आता है ठीक है मुझे आता है मैं चाहूं तो इसको समझा सकता हूं लेकिन उसको समझाने के लिए मुझे और तीन चार क्लासेस की जरूरत पड़ेगी ठीक है मैं ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में जितने भी फॉर्मूले हैं जो दस फॉर्मूले हैं मैं ये चाहूं तो सब समझा सकता हूं आपको लेकिन इसके लिए मुझे और तीन चार क्लासेस लग जाएंगी तो सर क्या हो गया समझा दो ना तीन चार क्लासेस लगा दो इट्स नॉट वर्थ इट इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट ठीक है वाई सर आपको कैसे पता अरे यार इतना तो ट्रस्ट कर लो आप लोग मेरे पर ठीक है इतना तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा एम दिस इज नॉट वर्थ इट तो मान लो इसको इट्स नॉट वर्थ अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर के लॉजिक में अगर आप लोग घुसते रहोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा बहुत परेशानी होगी एंड उतना समझना इज नॉट वर्थ इट जितना भी समझना रेलिवेंट था उतना समझ उतना मैंने आप लोगों को समझाने में कोई कमी छोड़ी नहीं है

लेकिन अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ना आज से शुरू करेंगे और कल तक ये एंड हो जाएगा परसों वाले सेशन की भी जरूरत पड़ेगी नहीं आज और कल में मैक्सिमम ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा ठीक है तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जो आपके पास सामने चैप्टर कर रहे हैं हम लोग जो अब आपके सामने स्टैंडर्ड लेकर आ रहे हैं दीज आर ओनली फॉर्म्य और इन फॉर्म्यूला के बेसिस पर पहली बात क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है दूसरी बात अगर क्वेश्चंस आते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मुलाज पे क्वेश्चंस आते हैं ठीक है अभी तक हम लोगों ने जो किया उसका अगर मैं आप लोगों को फॉर्मुला रटवा देता तो आप इतने कंफ्यूज हो जाते क्योंकि हर क्वेश्चन में तो कोई डिफरेंट लॉजिक चल रहा है इसलिए मैंने आप लोगों को अभी तक कोई फॉर्मुला रटवाया ही नहीं यहां तक मैंने आप लोगों को सारी चीजें एकदम लॉजिकली समझाई है क्योंकि हर क्वेश्चन में सेपरेट लॉजिक है हर क्वेश्चन की अलग डिमांड है हर क्वेश्चन की अलग फील है लेकिन यहां पर अब जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले मुश्किल से सात आठ दस क्वेश्चंस हमारे पास बचे मैक्सिमम पंद्रह क्वेश्चंस अब हमारे पास बचे और ये जो पंद्रह क्वेश्चंस हैं इनमें ये ये पंद्रह क्वेश्चंस ज्यादातर तो वैसे एग्जाम में आते नहीं है लेकिन अगर आते हैं तो फिर इनका एकदम एक सेट फॉर्मेट होता है तो क्या सर इसको छोड़ के जा सकते हैं बिल्कुल भी नहीं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आप लोग छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो उसका भी मैं आप लोगों को लॉजिक बताता हूं टुडे 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 इज इज व्हाट आज जो है वो 16th है आपके पास पूरा मार्च है पूरा अप्रैल है आधे से ज्यादा मे है ठीक है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को रेगुलरली रिवाइज करते हो रोज रिवाइज करते हो दस फॉर्मुले हैं बस ठीक है, दस फॉर्मले हैं, इनको अगर आप रोज रिवाइज करते हो तो आपको कहां दिक्कत रह जाएगी और जिनमें ठीक जो 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 है तो कम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है जिसके बेसिस पर प्रॉबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बेस्ड है तो इसलिए इस चैप्टर के साथ में कोई कोताही नहीं करना चाहता इस चैप्टर में मैं आप लोगों को कुछ भी छुड़वाना नहीं चाहता हूं ठीक है जितना लॉजिकली एक्सप्लेन करके क्वेश्चन सॉल्व करवाना पॉसिबल था मैंने आप लोगों को करवा दिया पॉसिबल ये भी है कई सारे स्टूडेंट्स हीरो बनते हैं बाद में आकर के हम तो ये भी समझ समझ के करते हैं बड़ी अच्छी बात है आप समझ समझ के करिए इसको ठीक है लेकिन मैं यहां पर इन सारी चीजों में अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो अननेसेसरीली आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट राइट ठीक है और बाकी अगर आपको इनमें से किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे पास गूगल देवता तो है ही आपके पास गूगल पे ज्ञान का भंडार है राइट right? लेकिन हमारा जो स्कोप है वो है सीए फाउंडेशन का एग्जाम हम उस तरह से पढ़ते हैं कि सीए फाउंडेशन के, के एग्जाम में आप अच्छे से क्लियर कर पाओ और जल्दी क्लियर कर पाओ टाइमली क्लियर कर पाओ ठीक है तो ऑल ऑफ यू विद मी ऑन ऑल ऑफ यू विद मी ज्योति अरेहंत विकास सुमन अंशिल प्रीति श्रुति साक्षी दिलनवाज डबल मुकेश मौर्य रुखसार अभिमन्यु युवती नितेश रोशनी प्रीति बहुत बढ़िया ठीक है चलो आ जाओ तो पहला रिजल्ट आपके पास क्या है कि द नंबर ऑफ नेकलेसेज द नंबर ऑफ नेक्लेसेज नेकलेस मतलब वो हार माला जो भी फॉर्मड विद एन बीड्स बीड्स का मतलब होता है मोती ठीक है बीड्स का मतलब मोती ऑफ डिफरेंट कलर्स इज हाफ इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ठीक है द नंबर ऑफ नेकलेसेज फॉर्म विद एन बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इज हाफ इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ये आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है अभी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ मत लेना मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका आपको कब स्क्रीनशॉट लेना ये वाले results, ये वाली आप लोगों को बुक में, में नहीं मिल पाएगी तो आई मेक यू टेक टूमारो लेकिन मैं आपको बताऊंगा ठीक है चलो तो स्टैंडर्ड र में जो पहला वाला है वो आपका इंपॉर्टेंट है तो पहले वाले रिजल्ट का आ जाओ हम लोग क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ नेकलेस फॉर्मड विद एन बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हाफ इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अभी देखो इफ फिफ्टी डिफरेंट ज्यूल्स कैन वी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस देन द नंबर ऑफ वेजेस अभी अभी पढ़ा हाफ इन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू फिफ्टी माइनस वन फैक्टोरियल हाफ इंटू फोर्टी नाइन का फैक्टोरियल ऑप्शन बी आपका आंसर बात खत्म ठीक है सर ऑप्शन बी आपका आंसर इतना सिंपल है अगर इसके अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया ये फॉर्मुला आपने याद कर लिया तो उसके बाद देख लो आप कैसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है एक और क्वेश्चन देखो ये द नंबर ऑफ इन विच एट डिफरेंट बीड्स कैन बी स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस वर्ड्स तक चेंज नहीं है वर्ड्स तक चेंज नहीं है ज्यूल्स नेकलेस ज्यूल्स नेकलेस यहां से तो आपको हिंट मिल ही रहा है कि अच्छा ठीक है एट डिफरेंट बीड्स स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस हाफ इन टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल हाफ इंटू एट माइनस वन का फैक्टोरियल हाफ इंटू सेवन का फैक्टोरियल सॉल्व कर लो अब इसको सेवन इंटू सिक्स इंटू वन ट्वेंटी बाई टू या आता है टू फाइव टू जीरो ऑप्शन बी आपका आंसर सिंपल टू इजी ना विशाल दुबे ठीक है अब देखो एक और बड़ा प्यारा है दिस इज दिस रिजल्ट और उसमें भी पहला ये वाला दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं ठीक तो है ठीक है तीके? अभी तक हमारे पास जितना क्या होता था कुछ होता था ना अच्छा आपको आठ में से छह को सिलेक्ट करना है मतलब हमारे पास जितने आइटम्स है वो तो थे और जितनों को सिलेक्ट करना होता था वो भी हमारे पास फिक्स होता था ठीक है लेकिन यहां पर क्या है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सम और ऑल आइटम्स आइटम्स फ्रॉम अ सेट ऑफ अगर आपको आइटम्स में से कुछ या सारे आइटम्स कुछ या कुछ से ज्यादा मतलब आपके ऊपर चॉइस है कि आप में से एक आइटम सेलेक्ट करो दो आइटम सेलेक्ट करो तीन आइटम सेलेक्ट करो चार आइटम सेलेक्ट करो पांच आइटम सेलेक्ट करो वगैरह वगैरह ठीक है तो दिस इज बेसिकली आपके पास चॉइस है या तो आप एन में से एक आइटम सेलेक्ट करो या आप एन में से दो आइटम सेलेक्ट करो या आप एन में से तीन आइटम सेलेक्ट करो या आप एन में से चार आइटम सेलेक्ट करो या आप एन में से एन आइटम्स को सेलेक्ट कर लो ये चीज है ठीक है तो एन सी वन प्लस एनसी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एनसी फोर प्लस डॉट 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 प्लस एनसी एन आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सम और ऑल आइटम्स फ्रॉम सेन आइटम्स ठीक है और इसी का जो शॉर्टकट फॉर्मुला है वो है ये टू रेज टू द पावर एन माइनस वन इसी का जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो है टू रेस टू एन माइनस वन चाहो तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन इस तरह से आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा ठीक है अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास पांच दोस्त हैं इन हाउ मेनी वेज कैन यू इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू पार्टी तो आप क्या करोगे ठीक है या तो आप पांचों में से एक को बुला सकते हो फाइव सी वन या आप पांचों में से दो को बुला सकते हो फाइव सी टू या तो आप पांच में से तीन को बुला सकते हो फाइव सी थ्री या तो आप पांच में से चार को बुला सकते हो 5C4, या तो आप पांच में से पांचों को बुला सकते हो फाइव सी फाइव फाइव सी वन प्लस फाइव सी टू प्लस फाइव सी थ्री प्लस फाइव सी फोर प्लस फाइव सी फाइव ये करने में आपको टाइम लगेगा शॉर्टकट टू रेस टू दावर फाइव माइनस वन ठीक है शॉर्टकट क्या है टू रेस टू द पावर फाइव माइनस वन थर्टी वन एक सेकंड में आपका आंसर आएगा ठीक है लेकिन यह वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तभी लगाओगे अगर हर आइटम के लिए दो चॉइसेस है हर आइटम के लिए आपके पास दो चॉइसेस होती हैं इसका भी मैं एग्जांपल देता हूं वही दोस्तों को बुलाने वाला एग्जांपल पांच दोस्त हैं आपके पास पांच दोस्तों में से आपको एक या एक से ज्यादा को बुलाना है तो हर आइटम के लिए यानी हर दोस्त के लिए आपके पास दो ऑप्शन है ना या तो बुलाओ या तो ना बुलाओ हर दोस्त के लिए आपके पास दो ऑप्शन हो गए ना या तो बुलाओ या तो ना बुलाओ तो बस सिंपली टू रेस टू द पावर फाइव माइनस ठीक है और अगर हर आइटम के लिए आपके पास तीन चॉइसेस हैं तो फिर थ्री रेस टू दावर एन माइनस वन ठीक है इसका भी एग्जांपल दो सर अभी देता हूं मैं थोड़ी देर में आएगा ठीक है तो अगर आपको एन आइटम्स में से सम या ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करना होता है और हर आइटम में आपके पास दो चॉइसेस हैं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो टू रेस टू द पावर एन माइनस वन ठीक है तो उसका लॉजिक भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस एनसी थ्री प्लस एनसी फोर प्लस डॉट 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 एनसी मैंने क्यों बताया क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अभी भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे यहां पर ठीक है तो देखो आओ अ मैन अस फाइव फ्रेंड्स इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर फ्रेंड्स टू डिनर वही वही वाली बात होगी पांच दोस्तों को इसको बुलाने वन और मोर फ्रेंड्स एक या एक से ज्यादा लोगों को बुला सकता है कितने तरीकों से बुला सकता है हर फ्रेंड के लिए हर फ्रेंड के लिए इसके पास दो चीजें आप लोगों को पता नहीं वो याद हो गया यानी एयरटेल वालों ने एक बार ऐसी बकर शुरू की थी हर एक फ्रेंड जरूरी होता है हर एक फ्रेंड जरूरी तो हम लोगों ने इसके इतने वो इतने सारे मीम्स बन गए इसके हम लोगों ने नहीं मतलब इतने सारे मीम्स बनाए थे ओए हर एक फ्रेंड जरूरी नहीं होता है ठीक है तो ऐसी वाली चीज थी एयरटेल वालों ने बना दिया था यहां पर मैन हेस फाइव फ्रेंड्स इन हाउ मेनी वे कैन ही इनवाइट वन और मोर फ्रेंड्स टू डिनर तो पांच में से एक या ज्यादा लोगों को बुलाने तो so, क्या कर सकते हो आप लोग या तो फाइव सी वन या तो फाइव सी टू या तो फाइव सी थ्री या तो फाइव सी फोर या तो फाइव सी फाइव ठीक है फाइव सी वन फाइव सी टू फाइव सी थ्री फाइव सी फोर या फाइव सी फाइव और इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है टू रेस टू दावर फाइव माइनस वन विच इज

ठीक है आई डोंट थिंक किसी को भी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे होंगे इट्स वेरी सिंपल राइट मजा मजा आवी सर वेरी नाइस स्टार वाईटी गेमिंग चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द द नंबर ऑफ ऑफ वेज इन व्हिच अ पर्सन कैन चूज वन और मोर फोर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन या कूलर एक या एक से ज्यादा को सेलेक्ट करना है तो हर आइटम के लिए आपके पास दो चॉइसेस है टीवी या तो लो या तो ना लो फ्रिज या तो लो या तो ना लो वॉशिंग मशीन या तो लो या तो ना लो कूलर या तो लो या तो ना लो वॉशिंग मशीन देखे ना मेरे दिमाग में हमेशा एक और बचपन का जंगल याद आता है मशीन पावर फोर माइनस वन ये आपका आंसर हो जाएगा सो टू इन टू पावर टू थ्री फोर माइनस वन फिफ्टीन आपका आंसर आ जा रहा है यहां पर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीवन बहुत इजी है ना हाँ जी भूमिका नहीं सुना देखिए प्रीति दर्शा मतलब आप लोग ऐसे बता रहे हो कि सर बुढ़ा गए हो आप मैं बुढ़ाए नहीं मैं बता रहा ठीक है मेरी उम्र है सोलह साल आप लोगों से भी छोटा हूं मैं राइट देखो द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ फंड फंडी वन टेन रुपी नोट वन फाइव रुपी नोट वन टू रुपी नोट या वन वन रुपी नोट ठीक है तो अब इसको डोनेशन करना है इसके पास एक दस रुपए का नोट है एक पांच रुपए का नोट है एक दो रुपए का नोट है और एक एक रुपए का नोट है तो ये कितने तरीकों से डोनेशन कर सकता है ठीक है अब यहां पर ये नहीं लिखा वन और ऑल लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा ना कि अगर इसको डोनेट करना है तो ये चाहे तो दस रुपए के नोट से दे सकता है चाहे तो पांच रुपए का नोट दे सकता है मतलब ही हैज हैजन और मोर देन वन ऑप्शंस टू चूज इफ ही नीड्स टू मेक अ डोनेशन राइट तो चार तरह के नोट है आपके पास टू वंस अगेन आपका आंसर आ जाता है क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है सर आप दो साल छोटे हो हमसे हां जी बिल्कुल सर का बाल विवाह हुआ है हा हा बिल्कुल एकदम बाल विवाह ठीक है हां जी समझ में आ रही है बात स्टार वाइटी गेमिंग प्रीति दर्शानी आकांक्षा कार्तिक श्रुति कुमार सागर भूमिका बहुत बढ़िया पटके पड़ जाएंगे तुझे हां जी पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं अच्छा लगेगा दो साल छोटे बंदे से मार खाओगे आओगे अच्छा तो नहीं लगेगा ना चलो आ जाओ एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ टेन एग्जामिनेशन पेपर विद टेन क्वेश्चन इन एल्जब्रा एंड फोर क्वेश्चन इन ज्योमेट्री at least one question from each section is to be attempted in how many ways can this be done acha abhi aapke paas do sections hai 10 questions hai aur ek section algebra ka hai ek section geometry ka hai algebra mein 6 questions hai geometry mein 4 questions hai ye keh raha hai at least one question from each section is to be attempted ठीक है कम से कम एक question आपको attempt करना है हर section से मतलब एक से ज्यादा भी आप कर सकते हो ठीक है तो एल्जेब्रा वाले सेक्शन में अगर आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और यहां पर टोटल छे क्वेश्चन है तो आप कैसे कर सकते हो टू रेस टू दावर सिक्स माइनस वन ठीक है एंड ज्योमेट्री वाले सेक्शन से आपको अटेम्प्ट करना है कम से कम एक क्वेश्चन तो आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो तो अगर एक से ज्यादा यानी चार क्वेश्चन है तो 1, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट वन और मोर क्वेश्चन ज्योमेट्री सेक्शन टू रेस टू द पावर फोर माइनस वन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ठीक है एलजेबरा वाले सेक्शन में सिक्स क्वेश्चन है आपको हर सेक्शन से कम से कम एक क्वेश्चन करना है एटलीस्ट वन क्वेश्चन ठीक है एटलीस्ट वन क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आप चाहो तो एक करो चाहो तो एक से ज्यादा करो आप चाहो तो एक से ज्यादा भी कर सकते हो इसलिए एटलीस्ट वन क्वेश्चन ठीक है तो टू रेस टू द पॉवर सिक्स माइनस वन क्योंकि टोटल छे क्वेश्चन है छे में से आपको कम से कम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो टू रेस टू दिक्स माइनस वन और यहां पर ज्योमेट्री में चार क्वेश्चन है इनमें से भी आपको कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है टू रेस टू दावर फोर माइनस वन क्योंकि आपको एल्जेब्रा और ज्योमेट्री दोनों में से ही अटेंड करना था इसलिए एंड हो जाएगा एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है इस वाले क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर वाई कांट बी डू डायरेक्टली टू रेस टू द पॉवर टेन माइनस वन ठीक है टोटल दस क्वेश्चन है हम डायरेक्टली टू रेस टेन माइनस वन क्यों नहीं कर सकते है? तो आई होप जिस तरह का एक्सप्लेनेशन मैंने पर दिया है उसके बाद ये डाउट आना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिटिरीट करके बता देता हूं कि कि हाँ पर लिखा है कि हर सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन करना मिनिमम है ठीक है तो अगर आप टू रेस टेन क्वेश्चन टेन माइनस वन करते हो तो उसका मतलब ये भी हो जाएगा कि आप चाहो तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो या अगर आपने सपोज चार क्वेश्चन अटेंड किया और चारों के चारों ज्योमेट्री से कर लिए तो फिर एलजबरा से तो आपने एक भी नहीं किया ठीक है तो इसलिए आप डायरेक्टली टू रेस इन माइनस वन नहीं कर सकते यू हैव टू गिव प्रॉपर इज दू बोथ द से राइट तो आपको ज्योमेट्री में से भी कम से कम एक करना है पावर सिक्स माइनस वन या जो भी है या आपको ज्योमेट्री में चार थे आपको एल्जेब्रा के सेक्शन में से भी कम से कम एक क्वेश्चन करना है रेस टू पावर सिक्स माइनस वन ठीक है एवरीवन चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट अब आपके पास ये यही मैंने आप लोगों को बताया था एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस एनसी थ्री प्लस एनसी फोर एन माइनस वन आई होप ये वाली बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट सिक्स क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज कैन एन एग्जामिनी आंसर वन और मोर क्वेश्चन एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन कर सकता है अगर क्वेश्चन पेपर में छह क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में आपके पास एक भी है है तो तो पहले तो समझो कि क्या क्वेश्चन नंबर वन ठीक है यहां पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद लिखा है और यहां पर एक और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू यहां कुछ दिया हुआ है फिर दिया है और और फिर एक और क्वेश्चन दिया है तो कांट यू सी हर क्वेश्चन में आपके पास तीन ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं या तो ये करो या तो ये करो या तो मत करो छोड़ दो अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए उनमें तो हर चीज में हर आइटम के लिए आपके पास दो चॉइसेस होती थी तभी हम लोग टू रे से पावर एन माइनस वन करते थे अभी पांच मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन चॉइसेस वाला एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा आ गया वो एग्जाम्पल ठीक है हर क्वेश्चन के लिए आपके पास तीन चॉइसेज है क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है हर क्वेश्चन में एक ऑल्टर दिया हुआ है तो हर क्वेश्चन में आपके पास तीन चॉइसेस हो गई या तो आप ये वाला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर की ही बात कर रहा हूं या तो आप ये वाला वाला सॉल्व सॉल्व करिए करिए या या तो आप ये वाला या तो आप तो आप मत सॉल्व करिए तो क्योंकि यहां पर हर क्वेश्चन के लिए तीन चॉइसेस हैं इसलिए आप क्या करोगे थ्री रेस टू दावर एन माइनस वन वाला करोगे और टोटल सिक्स क्वेश्चन है तो थ्री रेस टू दावर सिक्स माइनस वन थ्री इंटू पावर टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन एंड द आंसर इज 720 हंड्रेड एंड ट्वेंटी आई एम श्योर सबको समझ में आ गया बोलो निश्चे 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 बोलो निश्चे 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 ठीक वेरी नाइस nice. आ जाते हैं हम लोग तीसरे स्टैंडर्ड रिजल्ट पर और जो तीसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो क्या कहता है कि एन प्लस वन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर मतलब इलेवन सी आर इज इक्वल टू टेन सी आर प्लस टेन सी आर माइनस वन या इलेवन सी फाइव इज इक्वल टू टेन सी फाइव प्लस टेन सी फोर आई होप इसमें मेरे समझाने का कुछ नहीं है आप अपने दिमाग की ऑब्जर्वेशनल स्किल्स लगाकर इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे अपने आप ठीक है एन प्लस वन सी आर इज इक्वल टू एनसीआर एनसीआर माइनस वन दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ठीक है राइट जितने भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग राइट right? तो ये आपका सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिजल्ट एन प्लस वन सी आर इज इक्वल टू एनसीआर एनसीआर माइनस वन अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको समझ में आता रहेगा इसमें मेरे समझाने का तो कुछ बचा ही नहीं है ठीक है सिंपल फॉर्मुला आ जाओ देखो ये रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वेल्व सी फोर प्लस ट्वेल्व सी थ्री ठीक है तो हमने अभी क्या देखा एन प्लस वन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन तो डोंट यू थिंक ये इधर आ रहा है ट्वेल्व सी फोर प्लस ट्वेल्व सी 3, R -1 ना फोर और यहां पर कम ऊपर कॉमन तो यहां क्या आ ट्वेल्व प्लस वन सी फोर ठीक है ना क्योंकि ये और ये 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 और और होने आपके तो ये और ये हो गया ये जो है वो आपका इससे एक कम होगा तो ये इससे एक कम राइट सो तो ये क्या हो जाएगा थर्टीन सी फोर विच इज थर्टीन इंटू ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री इंटूर इंटू ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन बाई वन बाई टू बाई थ्री बाई फोर ये आ गया सात सौ पंद्रह ऑप्शन ए इज योर आंसर ठीक है सर कहेंगे बाकी कोर्स आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक प्रॉपर्टी को यूज करके करवा रहा हूं तो उसके पीछे का रीजन है ठीक है तो परेशान मत होना कि इसको तो हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट आप लोगों को रखना पड़ेगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई हैव आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन ओवर हियर ये तो मैं भी करवा सकता था ना इनफैक्ट आपको तीसरी क्लास में करवा सकता था इसमें था ही क्या ठीक है तो मैं आपको फोर्टीन क्लास में क्यों करवा रहा हूं आफ्टर टेलिंग यू दिस प्रॉपर्टी मैं आपको क्यों करवा रहा हूं उसके पीछे का आपको रीजन समझना पड़ेगा ठीक है तो वो मैं नहीं बता सकता वो सिर्फ ट्रस्ट से आएगा आपको ठीक है कि मैं अगर आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करो तो आप इसको ऐसे ही समझो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करो एक आगे चले ये देखो 500C92 499C92 प्लस NC91 क्या है हमारे पास 500C92 इज इक्वल टू 499C92 प्लस NC91 फॉर्मूला क्या था हमारे पास एन प्लस वन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन तो बात खत्म हो गई ये देखो यहां पर अगर फोर नाइनटी नाइन है यहां फाइव हंड्रेड है यहां एन है यहां एन प्लस वन है तो ये तो एकदम सही चल रहा है ठीक है फिर ये, ये, ये आर है ये आर है ये आर है ये आर है ये भी एकदम सही चल रहा है तो यहां पर भी आपके पास क्या होना चाहिए एन सी नाइनटी वन है और यहां पर एन तो एज इट इज है सेम वाला है तो यहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 499. क्योंकि ये हो जाएगा ना फिर फोर नाइन सी नाइनटी टू प्लस फोर नाइन सी नाइन टू फोर नाइन ऑप्शन डी इज योर आंसर सिंपल प्योरली ऑब्जर्वेशनल है ये और इसमें कुछ नहीं है समझाने का कुछ नहीं है प्योरली ऑब्जर्वेशनल है ये. ठीक है चलो आ जाओ आगे चलते हैं फाइंड एक्स इफ नाउ दिस अब ये समझो यहां पर भी कई सारे लोग कहेंगे हम तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करेंगे एल को सॉल्व करके आर में ऑप्शन ट्राई करेंगे आपकी मर्जी करना हो कर लो मैं वैसे नहीं करा रहा हूं उसके पीछे का भी रीजन है ठीक है और रीजन ट्रस्ट से आएगा राइट तो देखो अब मैं जिस तरह से इसको करवा रहा हूं वैसे समझना आप लोग राइट तो ट्वेल्व सी फाइव प्लस ये टू इंटू ट्वेल्व सी फोर को मैं क्या लिखूंगा ट्वेल्व सी फोर प्लस ट्वेल्व सी फोर ठीक है मैं ऐसे कर सकता हूँ ना टू एक्स को आप एक्स प्लस एक्स लिख सकते हो ना तो वैसे ही मैंने को को लिखा राइट 12C4 12C4 right? अब मैं इन दोनों को क्लब कर लूंगा और इन दोनों को क्लब कर लूंगा तो देखो ncr माइनस वन के फॉर्म में आ गया ये हमारे पास फॉर्मूला क्या था एन प्लस वन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन ठीक है तो अब यहां पर एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन के फॉर्म में आ गया तो यहां पर एन प्लस वन सी आर क्या हो जाएगा ट्वेल्व प्लस एनसीआर में आ गया तो ये क्या हो जाएगा दिस इज थर्टीन सी फाइव प्लस थर्टीन सी फोर वनस c एनसीआर प्लस एन सी आर माइनस वन तो एन प्लस वन सी आर यानी फोर्टीन सी फाइव फोर्टीन सी फाइव ऑप्शन है आपका आंसर ठीक है सर फोर्टीन सी फाइव ऑप्शन है आपका आंसर यह कुछ नहीं है बस इस वाले को स्प्लिट करके लिख दिया ट्वेल्व सी फोर ट्वेल्व सी फोर इसको स्प्लिट करके लिखा उसके बाद इन दोनों को क्लब कर दिया इन दोनों को क्लब कर दिया इसमें यह वाली प्रॉपर्टी लगाई और इसमें भी यह वाली प्रॉपर्टी लगाई ठीक है और उसके बाद इसको सॉल्व करते गए यह भी ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व होगा आपको यह भी मेरे समझाने से सॉल्व नहीं होगा ठीक है ये ऑब्जर्वेशन से सॉल्व होगा कि कैसे किया क्या किया मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के इसका मैं आपको मतलब इसका वो नहीं दिखा सकता कि देखो देखो सेम तो है ठीक है क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा किनसीआर एनसीआर माइनस वन ट्वेल्व सी फाइव ट्वेल्व सी फोर ठीक है तो ये आपको ऑब्जर्वेशन से ही समझना पड़ेगा ठीक है बाकी इसको आप लोग चाहो तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते थे एल को सॉल्व करके कैलकुलेटर पे निकाल लो फिर RHS में वैल्यू स्पोर्ट कर लो आप लोग चाहो तो ऐसा कर सकते थे लेकिन कई बार एग्जाम में या मॉक टेस्ट पेपर में जो इस टाइप का क्वेश्चन है उसमें लोग नंबर हटा देते हैं एन पी क्यू आर एस टी यूवी से बात करते हैं तो उसको आप लोग कैलकुलेटर पे नहीं कर पाओगे इसलिए यू मस्ट नो वट द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट वी जस्ट स्टडी ठीक है इसलिए मैंने आप लोगों को ये करवाया राइट right? अब बाकी की जो प्रॉपर्टीज है रिजल्ट फोर से हम लोग कल करेंगे एंड टुमोरो वील फिनिश ऑफ विद दिस चैप्टर वेल दैट्स इट फॉर टुडे आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा हमारा एकाग्रता बैच 2023 के लिए स्टार्ट हो चुका है डिसन अकेडमी प्लस ये उस बैच की हाइलाइट्स हैं इसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये उस बैच का टाइम टेबल है वे यू सब्सक्राइब टू अडमी प्लस प्लीज यूज माई कोड निश्च टेन और उसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा मैं आपको फटाफट से अन अकेम की वेबसाइट पर ले जाकर दिखा देता हूं कि आप सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो तो आपको अन अकेडमी की वेबसाइट पर आना होगा अकेडमी की वेबसाइट पर आने के बाद आपको लॉग इन करना होगा और अपना गोल सेलेक्ट करना होगा सी ए फाउंडेशन उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी एजुकेटर्स बैच स्टोर स्टोर आप देख सकते हो ये में क्या होता है कि अगर आपको डिसंबर ट्वेंटी थ्री के लिए तो आपको यहां पर मेरे सिर्फ मैथ्स के लेक्चर्स के लिए भी आप लोग यहां पर से ले सकते हो ठीक है वैसे अगर आप अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो दैट इज एनी टाइम बेटर क्योंकि उसमें पूरा का पूरा बैच की एक्सेस आपको मिलती है बट आप में से कई सारे लोग अगर सिर्फ मैथ्स के सेशन

आप इसमें जब प्रोसीड टू पे करोगे अपनी पेमेंट डिटेल्स डालकर तब आपके पास जरूर एक ऑप्शन आएगा टू तो टू कन्वर्ट इट कॉम्बो तो सब्सक्रिप्शन एज वेल तो आप इसमें कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो प्लीज डू सब्सक्राइब टू वन अकेडमी प्लस एंड यूज माई पॉसिबल डिस्काउंट थैंक यू टेक केयर बाय